सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों, आपने यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन देखे हुए होंगे जिसमें ऐसे होता कि सभी कुत्ते स्तनधारी, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है। इनके बेस पे हमें एक निष्कर्ष निकालना होता है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं और हमें काफ़ी परेशान करते हैं, और ये क्वेश्चन दोस्तों हर बार क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिल्कुल आसानी से केवल और केवल 10 सेकंड में ये क्वेश्चन किस तरह से आप कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों, हमने NTA UGC नेट दिसंबर 2019 एग्ज़ाम के लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में हम आपको दोस्तों सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करवाएंगे। इस ग्रुप में आपको हर रोज़ दो वीडियो मिलेगी। सुबह की जो वीडियो होगी वो थ्योरेटिकल होगी और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी लेंगे। इस ग्रुप में आपको दोस्तों 10 यूनिट के PDF स्टडी नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की PDF दी जाएगी। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, ये क्वेश्चन करने से पहले हमें वेन डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए। और एक चीज़ और बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, आप काफ़ी तरह से कर सकते हैं। वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं और भी कई तरीके हैं, उनसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको वेन डायग्राम से किस तरह से क्वेश्चन करना वो बताएंगे। तो वेन डायग्राम के बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाई है, उसमें भी काफ़ी कुछ बताया है वेन डायग्राम के बारे में, और अब और भी काफ़ी कुछ बताने वाले हैं। देखिए, जो वेन डायग्राम होता है वो मुख्य रूप से 3 सर्कल होते हैं उसके अंदर, लेकिन हम समझने के लिए 2 सर्कल का भी यूज़ करेंगे। देखिए, जो वेन डायग्राम होता है वो काफ़ी तरह का हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पूर्णतः संबंधित यानी कि एक दूसरे से, सबसे पहले देखते हैं इसका टाइप 1 यानी कि 2 जब हमें सर्कल दिए हुए होते हैं तो उसमें किस तरह का संबंध हो सकता है। ये देखिए, पूर्णतः संबंध यानी कि कम्प्लीटली रिलेटिव। ये देखिए, जो मामा है वो पुरुष है, तो इसके अंदर क्या है कि सभी मामा क्या होते हैं, वो पुरुष होते हैं। जो मामा है ना दोस्तों, वो क्या है कि कम्प्लीटली पुरुष है। जैसे कितने भी मामा हो, किसी भी तरह के मामा हो, वो सारे के सारे पुरुष होते हैं। तो मामा क्या है कि कम्प्लीटली रिलेटेड है पुरुष से, लेकिन जो पुरुष है वो कम्प्लीटली रिलेटेड नहीं है मामा से। यानी कि सारे के सारे पुरुष मामा नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी मामा है वो हमारे पुरुष होंगे। तो टाइप 1 ये हो गया। टाइप 2 आता है दोस्तों इसके अंदर कि आंशिक रूप से संबंधित यानी कि कुछ हद तक रिलेटिव। अब देखिए, इसके अंदर इनने 2 सर्कल दिए, एक पुरुष का दिया और एक वकील का दिया है। तो यहाँ से आप देख सकते कि कुछ जो पुरुष है वो क्या है, वकील है। और इसमें हम कह सकते हैं कि जो कुछ पुरुष होते हैं वो वकील होते, लेकिन सभी के सभी पुरुष वकील नहीं होते, और सभी के सभी वकील जो होते वो पुरुष नहीं होते, क्योंकि वकील है वो लेडीज़ भी हो सकती है। और तीसरा इसके अंदर ये आता है दोस्तों कि बिल्कुल भी एक दूसरे से रिलेटिव ना हो, उनके अंदर कोई भी रिलेशन ना हो। जैसे यहाँ पे डॉक्टर और वकील, अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग दिए इन्होंने भाई, वो डॉक्टर है और वकील है, दोनों के दोनों अलग है। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर और वकील दोनों भी हो सकते, एक आदमी के अंदर दोनों गुण भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने दिखाया है कि कुछ व्यक्ति ऐसे जो केवल और केवल डॉक्टर है और कुछ व्यक्ति ऐसे जो केवल और केवल वकील है। तो इस तरह से इनमें कोई भी संबंध नहीं है, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास अगर 3 सर्कल हो तो उसमें किस तरह का संबंध हो सकता है। और दोस्तों, एक बात मैं बता दूं कि ये वीडियो आप पूरा देखना, ध्यान से देखना, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है तो। और इसमें मैं आपको लाइव क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, पीछे जो आ चुके हैं हमारे पेपर के अंदर वो सभी ओल्ड क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा। अब देखिए, 3 के अंदर क्या होता है, जब एक समुच्चय दूसरे से तथा दूसरा तीसरे से संबंधित हो। अब 3 के अंदर
अंदर हो सकता है एक दूसरे से रिलेटेड और दूसरा तीसरे से। यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले सेकंड है, उसके बाद मिनट और फिर घंटा है। अब हम देख सकते हैं कि जो घंटा होता है दोस्तों, घंटे के अंदर मिनट होते हैं और मिनट के अंदर सेकंड होती है। जो सेकंड होते हैं, जितनी भी सेकंड होते हैं दोस्तों, वो घंटे के अंदर इंक्लूड होती है, और फिर जितनी भी मिनट होती है वो घंटे के अंदर इंक्लूड होती है। लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते कि मिनट सेकंड के अंदर इंक्लूड होता है, नहीं, ये बात हम नहीं कह सकते। जैसे कि अगर हम ये कह दें कि 5 सेकंड हो गया, 5 सेकंड में कितनी मिनट होती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कितनी मिनट होगी। हाँ, वैसे साइंटिफिक रूप से निकाले, मैथमेटिकल रूप से निकाले तो वो निकले, वो चीज़ अलग है, लेकिन नॉर्मल भाषा में हम नहीं कह सकते कि सेकंड के अंदर मिनट आती है। तो इस तरह से ये तीनों की तीनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन एक दूसरे में पूरी तरह से समाहित नहीं है, ये चीज़ आपको देखना ज़रूरी है। आगे देखते हैं दोस्तों, तीन पे किस तरह के बन सकते हैं, ये तो हमने देख लिया। अब सेकंड किस तरह का हो सकता है, सेकंड में ये हो सकता है कि जो दो चीज़ें होती हैं वो एक चीज़ के अंदर इंक्लूड हो सकती है। जब दो समुच्चय एक समुच्चय से पूर्णतः संबंधित हो, यानी कि दो चीज़ें हमारी एक चीज़ के अंदर पूरी रूप से इंक्लूडिंग हो, लेकिन वो जो दोनों के दोनों चीज़ें वो अलग हो। देखिए, इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे मेज़ और कुर्सी, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कुर्सी है, कुर्सी के ऊपर हम बैठते हैं, मेज़ है, मेज़ के ऊपर हम कुछ सामान रखते हैं। इस तरह से देखा जाए, मेज़ और जो कुर्सी है, दोनों के दोनों अलग चीज़ है, लेकिन ये दोनों के दोनों चीज़ें क्या है दोस्तों, ये हमारी फर्नीचर के अंदर इंक्लूड होते हैं, फर्नीचर के अंदर आती है, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको कह सकते हैं। और आगे दोस्तों, आगे हमारा तीसरा, तीन नंबर पे, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ये है कि दो समुच्चय एक समुच्चय से पूर्णतः संबंधित हो, यानी कि दो चीज़ें एक चीज़ के अंदर पूरी रूप से इंक्लूड हो सकते हैं, और वो जो दो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से भी रिलेटेड हो सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे स्त्री, माँ, बहन यहाँ पे दिया है। अब देखिए, माँ और बहन जो है वो दोनों के दोनों क्या है, औरतें हम कह सकते हैं। और एक जो देखिए, एक चीज़ और है कि बहन जो है वो माँ भी हो सकती है, और जो माँ है वो बहन भी हो सकती है। जैसे हमारे घर में होता है, जैसे हमारी बुआ है तो वो क्या है, वो माँ भी है और वो बहन भी है अपने पिता की। तो इस तरह से ये दोनों के दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, और ये दोनों के दोनों पूर्ण रूप से क्या है, स्त्री है, कम्प्लीटली स्त्री है, इनको हम ये कहेंगे। इस तरह से इसको समझ सकते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास फोर्थ नंबर पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, फोर नंबर पे। अब देखिए, एक समुच्चय दूसरे समुच्चय से पूर्णतः संबंधित हो तथा तीसरा समुच्चय दोनों समुच्चयों से आंशिक रूप से संबंधित हो। अब इसमें देखिए, एक चीज़ हो सकती है वो दूसरी चीज़ के अंदर पूरी तरह से इंक्लूड हो, लेकिन तीसरी जो चीज़ है उससे कुछ कुछ रिलेटेड हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे खिलाड़ी दिया है, क्रिकेट खिलाड़ी दिया है, विवाहित दिया है। अब देखिए, जो क्रिकेट खिलाड़ी है, ये क्या होते हैं दोस्तों, क्रिकेट खिलाड़ी चाहे किसी भी कंट्री का हो, क्रिकेट खिलाड़ी वो खिलाड़ी ही होगा, सारे के सारे क्रिकेट खिलाड़ी खिलाड़ी के अंदर आते हैं, ये बात हमने देख ली। और यहाँ पे है विवाहित, जिनकी शादी हो चुकी है, तो वो खिलाड़ी हो सकते हैं और वो क्रिकेट के खिलाड़ी भी हो सकते हैं, यानी कि वो खिलाड़ी भी हो सकते हैं और खिलाड़ी में वो शायद क्रिकेट के खिलाड़ी हो सकते हैं। तो ये कुछ हद तक हम कह सकते कि ये रिलेटेड है, लेकिन पूरी तरह से हम नहीं कह सकते कि विवाहित जो व्यक्ति है या औरत है वो खिलाड़ी या क्रिकेट की खिलाड़ी होगी, ठीक है। अगला देखते हैं, टाइप फाइव। इसके अंदर क्या होता है कि तीन जो समुच्चय है, तीन जो सर्कल है हमारे, तीन जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से कुछ कुछ रिलेटेड हो सकती है, पूरी की पूरी रिलेटेड ना हो, लेकिन कुछ हद तक रिलेटेड हो सकती है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि पुरुष दिया, डॉक्टर दिया, इंजीनियर दिया। अब देखिए, यहाँ पे हमने डॉक्टर दिया है, डॉक्टर यानी कि कुछ डॉक्टर क्या है, वो पुरुष है, और उन्हीं पुरुषों में से कुछ पुरुष क्या है, इंजीनियर है, ठीक है। यहाँ से आई बात समझ में, यानी कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर कुछ डॉक्टर पुरुष है, और कुछ पुरुष क्या है, इंजीनियर है,
तो ये सारी तीनों की तीनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। और आगे देखते हैं हमारे पास सिक्स्थ नंबर पे, तीनों के तीनों समुच्चय एक दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित हो। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है दोस्तों, इसके अंदर ये है कि जैसे हम तीनों चीज़ मान के चलते हैं कि जो ये यहाँ पे तीन चीज़ दी है, ये हो सकता है इंजीनियर और डॉक्टर के अंदर संबंध ना हो, कुछ इंजीनियर डॉक्टर ना हो, यानी कि कोई भी इंजीनियर डॉक्टर ना हो, ये बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि तीनों के तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होंगे ही होंगे, यहाँ पे संभावना है और यहाँ पे होंगे ही होंगे। तो ये देखिए, जैसे पुरुष, वकील और लेखक, अब देखिए पुरुष दे दिया, पुरुष लेखक, इन्होंने कहा है कि कुछ पुरुष क्या होते हैं, वो लेखक होते हैं और यही लेखक, इन्हीं लेखकों में से कुछ वकील होते हैं। तो अब देखिए वकील क्या होंगे, पुरुष भी तो होंगे, और पुरुष क्या होंगे, वो वकील भी होंगे। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होगी ही होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे वेन डायग्राम में बहुत से एग्जांपल है, ये दोस्तों आप एक बार देख लेना, सभी देख लेना, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें कराने लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। और वैसे बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसान है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, आप ये देख लेना। हाँ, एक ये जैसे उदाहरण 11 देख लेते हैं इसके अंदर, ये है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता, बिल्कुल अलग हो सकती है, होती ही होती नहीं है, हो सकती है, ऐसा वेन डायग्राम भी हमारा बन सकता है जिनके अंदर तीनों की तीनों चीज़ें बिल्कुल अलग हो। चलिए दोस्तों, अब हम अपना क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन होगा। ये देखिए दोस्तों, ये दिसंबर 2013 में क्वेश्चन आया था, और सबसे पहले हम इसका वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें ये कहा है कि आधार वाक्य में क्या कहा है, सभी संत धार्मिक होते हैं। तो सबसे पहले हमने एक संत का सर्कल ड्रॉ कर लिया, उसके बाद सभी के सभी जो संत होते हैं वो दोस्तों क्या होते हैं, धार्मिक होते, ये इसने बात यहाँ पे कह दी। अब इसके बाद जो अगली बात कही है, कुछ ईमानदार लोग संत होते हैं। तो इसका जो है दोस्तों, वो वेन डायग्राम इस तरह से बन सकता है। ये देखिए, कुछ ईमानदार लोग संत होते हैं, तो ये हमने ईमानदार लोग, ये ED लिख दिया मैंने, ईमानदार लोग, कुछ ईमानदार लोग संत होते हैं। अब देखिए, अब इसके बेस पे हमें आंसर देखना कि आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे एक एक क्वेश्चन पे, सॉरी एक एक ऑप्शन पे हम बात करके देख लेते हैं कि सभी संत ईमानदार होते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं दोस्तों। और एक चीज़ मैं बता दूं कि हमें केवल और केवल क्वेश्चन के अनुसार चलना है दोस्तों, अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए ना कि सभी के सभी साधु चोर होते हैं, तो वो हमें मानना पड़ेगा। आधार वाक्य हमें देखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। आधार वाक्य में अगर ये कहा जाए कि सभी के सभी चोर धार्मिक होते हैं, तो वो हमें मानना पड़ेगा, जो भी कह रहा वो हमें मानना पड़ेगा, ठीक है, आधार वाक्य में। तो अब देखिए, आधार वाक्य से ही हमारा निष्कर्ष निकलेगा। हम अगला देखते हैं, कुछ संत ईमानदार होते हैं, तो ये भी हम पूरी तरह से सही नहीं कह सकते, आंशिक रूप से इसको सही कह सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें हमें जो डेफिनेट तरीके से पता हो दोस्तों, वही चीज़ हमें डिक्लेयर करनी है, वही उसका आंसर आएगा। ये नहीं कह सकते कि संभावना वाला जो आंसर है वो हम नहीं देंगे। अब देखिए, ऑप्शन नंबर सी है, कुछ ईमानदार लोग धार्मिक है। अब ये बात हमें सोचना ज़रूरी है, इस पे ध्यान दीजिए कि कुछ ईमानदार लोग धार्मिक है। अब ये देखिए, ये जो हमने ड्रॉ किया था यहाँ पे, ये तीन सर्कल किए थे, ये देखिए कुछ ईमान, ये देखिए ईमानदार लोग हैं और ये धार्मिक का सर्कल है। तो ईमानदार और धार्मिक में ये देखिए, ये जो पोर्शन है दोस्तों, ये कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ईमानदार लोग हैं वो क्या होते हैं, धार्मिक होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं आप। और आगे हम और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, उनसे आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, एक बार में किसी को अच्छे से समझ में शायद ना आए। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा दिसंबर 2014 में आया था। इसमें देखिए, आधार वाक्य, सभी कुत्ते सतनधारी है। तो सबसे पहले हम कुत्ते लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने कुत्ते लिख लिए, और सतनधारी यानी कि जो दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को, तो ये लिख लिए हमने सतनधारी, यहाँ पे ये हमने S लिख लिया।
और एक बात फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ कि हमें केवल इनके आधार वाक्य के अनुसार चलना है, रियल लाइफ में क्या होता है वो हमें कुछ नहीं देखना। ये लिख लिया। अब उसके बाद, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, कोई भी बिल्ली जो है वो कुत्ता नहीं है। तो ये हमने बिल्ली लिख ली दोस्तों, ये हमने बिल्ली लिख ली और ये हमारा कुत्ता हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, ये जो हमारा ग्राफ है दो तरीके से बन सकता है दोस्तों, दोनों मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, एक तो हमारा ये बन, चलिए मैं आपको दोबारा बना के दिखा देता हूँ। जैसे सबसे पहले हमने कुत्ता लिखा और फिर हमने स्तनधारी लिखा, ये एस लिख दिया, और फिर हमने ये बिल्ली लिख दी यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये बन सकता है हमारा, और दूसरा जो है वो किस तरह से बन सकता है, वो ऐसे बन सकता है जैसे ये हमने कुत्ता लिख दिया, ये हमने बिल्ली लिख दी, और ये हमने स्तनधारी लिख दिया। ये ग्राफ भी इसका बन सकता है क्योंकि इसने एक बात कही है कि सभी कुत्ते स्तनधारी है, ये कुत्ते ये सारे के सारे स्तनधारी यहाँ पे हमने लिख दिए, और इसमें भी हमने लिख दिया कि सभी जो कुत्ते वो स्तनधारी है, ये लिख दिया। अब आगे है कि कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, तो इसमें देखिए यहाँ भी कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, वो हमने अलग लिख दी ये चीज़, और यहाँ भी कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो बिल्ली है वो स्तनधारी है या नहीं है। ये हम संभावना लगा रहे हैं कि ये इस तरह भी ग्राफ बन सकता है और ये इस तरह भी ग्राफ बन सकता है। तो ये दोनों ग्राफ हमने एक बार ड्रॉ करके देख लिए। अब देखते हैं जो हमारे निष्कर्ष है, निष्कर्ष में ऐसा कौन सा निष्कर्ष है जो बिल्कुल 100% सही होगा, ठीक है। हमें निष्कर्ष वही देना होता है जो 100% सही हो। अब देखिए इसमें देखते हैं, कोई बिल्ली स्तनधारी नहीं है। अब देखिए कोई बिल्ली स्तनधारी नहीं है, तो ये हम अच्छे तरीके से नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे दो ग्राफ बना के देखे। अगर ग्राफ ए की बात करें तो इसमें कह सकते हैं भी कोई भी बिल्ली है वो स्तनधारी नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो हमारे आधार वाक्य है इसके अंदर बिल्ली और स्तनधारी है उसके अंदर डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिखाया गया, तो हम अच्छे तरीके से कोई डिसीजन नहीं ले सकते। हाँ हम संभावना लगा सकते हैं भाई, हाँ ऐसा हो सकता है भी कोई भी बिल्ली है वो स्तनधारी नहीं है, लेकिन हमें संभावनाओं पे नहीं चलना, हमें 100% जो आंसर मिले उसी को राइट करना है। अब आगे देखते हैं, कुछ बिल्ली स्तनधारी है। अब देखिए कुछ बिल्ली स्तनधारी है तो वो यहाँ से बन सकता है दोस्तों, कुछ बिल्ली स्तनधारी है, लेकिन अब बात फिर आ रही है कि हमें संभावनाओं पर नहीं चलना। अगली बात आती है, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है। अब ये देखिए ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये 100% बात सही है, क्योंकि इसने ये कहा है कि कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है और यहाँ पे कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो दोनों की दोनों जो बात है वो बिल्कुल सेम है, एक दूसरे से थोड़ी सी ऊटपटांग तो है, यानी कि यहाँ पे इन्होंने बिल्ली कुत्ता नहीं कह दिया और यहाँ पे कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो बात तो एक ही है दोस्तों, जो शब्द है वो आगे पीछे कर दिए। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है दोस्तों वो अपना सही हो सकता है, एक इस पे टिक कर लेते हैं। उसके बाद में, कोई भी कुत्ता गैर स्तनधारी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऐसा कोई भी कुत्ता नहीं है जो दूध ना पिलाता हो, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दे दिया सभी कुत्ते स्तनधारी है, तो यहाँ से इसका क्या अर्थ निकलता है कि कोई कुत्ता गैर स्तनधारी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 3 और 4, यानी कि इसका सी जो आंसर है दोस्तों वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं कोई भी बात आपको समझ में ना आए तो। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये हमारा जुलाई 2016 में आया था, ये क्वेश्चन आप करके देखना दोस्तों, मैं आगे और क्वेश्चन करवा देता हूँ, जैसे जो हमारे 2017 में या 18 में जो क्वेश्चन आए वो करके मैं दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा अगस्त, हाँ ये क्वेश्चन हमारे लिए करना ज़रूरी है दोस्तों। ये देखिए अगस्त 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, और यही क्वेश्चन हमारा ये देखिए नवंबर 2017 के अंदर आया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं नवंबर 2017 में सभी चमगादड़ स्तनपाई होते, कोई भी पक्षी चमगादड़ नहीं होता, ये है। और यहाँ पे ये देखिए अगस्त 2016 में भी यही बात कही गई है, सभी चमगादड़ स्तनपाई होते, पक्षियाँ चमगादड़ नहीं होते। तो बात सेम है दोस्तों, क्वेश्चन एक है, लेकिन
अलग अलग ईयर में दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि डिट्टो कॉपी क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर। लेकिन आपने शायद आज तक ये बात नोट नहीं की होगी, तो आज से ये बात नोट करके चलिए दोस्तों, आपके लिए ओल्ड पेपर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनमें से बहुत क्वेश्चन डिट्टो कॉपी रिपीट होते हैं। चलिए अब हम ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या कहा है कि सभी चमगादड़ स्तनपाई होते हैं, और स्तनपाई का ये अभी हमने ये किया था, ये देखिए कुत्ते वाला भी किया था, तो स्तनपाई से तीन क्वेश्चन हमारे अभी तक आ चुके हैं, आगे भी इनके आने की संभावना है, तो एक बार फिर ये कर लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर ये कहा है, क्या कहा है, सभी चमगादड़ स्तनपाई होते हैं, तो ये हमने कहा कि सभी चमगादड़, सबसे पहले हमने चमगादड़ सी, चमगादड़ को सी से ड्रॉ कर लिया, सभी चमगादड़ स्तनपाई होते हैं, ये हमने स्तनपाई यानी कि एस ड्रॉ कर लिया, और ये जो ग्राफ है दोस्तों, ग्राफ नंबर एक हमारा बन गया। अब अगली बात आती है, पक्षियां चमगादड़ नहीं होते। अब पक्षी, पक्षी हमने यहाँ पे, अब देखिए पक्षी वो चमगादड़ नहीं होते, तो इसके इसका ये बन सकता है दोस्तों, ये बन सकता है, ये हमने लिख दिया पक्षी पी, पक्षी है वो चमगादड़ नहीं होते, एक तो इसका ये बन सकता है दोस्तों ग्राफ, दूसरा ग्राफ इसका क्या बन सकता है, इसका ग्राफ दूसरा ये बन सकता है, ये हमने चमगादड़ लिखा यहाँ पे, और फिर ये हमने स्तनपाई लिख दिया यहाँ पे एस स्तनपाई, और यहाँ पे हम पक्षी लिख सकते हैं, तो ये भी यही बात कह रहा है दोस्तों, चमगादड़ और पक्षी इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सब पक्षियाँ चमगादड़ नहीं होते, तो चमगादड़ और पक्षी को हमने बिल्कुल अलग कर दिया, और ये जो ग्राफ नंबर एक है इसमें भी चमगादड़ और पक्षी को हमने अलग कर दिया बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई रिलेशन इनके अंदर नहीं है, लेकिन पक्षी और स्तनपाई इनके अंदर रिलेशन में भी शायद हो सकता है, हमें पता नहीं है, ये बात इन्होंने यहाँ पे क्लियर नहीं की, स्तनपाई और चमगादड़ के बारे में क्लियर बात इन्होंने नहीं की है, और इसका जो दूसरा है ये ऐसे भी हो सकता है स्तनपाई और पक्षी के बीच में। अब देखिए, अब हम इसका आंसर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए पक्षियाँ स्तनपाई नहीं होते, अब देखिए पक्षियाँ जो है स्तनपाई नहीं होते, ये बात हम नहीं कह सकते दोस्तों, होते हैं नहीं होते ये हम 100% नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने दोनों तरह के ग्राफ बनाए हैं, इस ग्राफ के अंदर कुछ पक्षी स्तनपाई हो सकते हैं और इसमें कोई भी पक्षी स्तनपाई नहीं हो सकता, तो हम 100% तरीके से नहीं कह सकते कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। अब हम अगला देखते हैं, चमगादड़ पक्षी नहीं होते, ये बात बिल्कुल 100% राइट है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने कहा है कि पक्षियाँ चमगादड़ नहीं होते, तो इसका मतलब ये है कि चमगादड़ है वो भी पक्षी नहीं होते, यहाँ पे ये जो बी जो ऑप्शन है दोस्तों, ये 100% एक्यूरेट बात कह रहा है, तो एक तो ये बी एक बार मान लेते हुए बी इसका सही होगा। अब देखते हैं अगला, सभी स्तनपाई चमगादड़ होते हैं, अब ये देखिए ये बात भी हम 100% सही नहीं कह सकते, क्योंकि स्तनपाई और चमगादड़ के बारे में हमने यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ा, इन्होंने यहाँ पे कुछ अच्छे तरीके से नहीं बताया, हम कितना है कि वो ये संभावना लगा सकते, लेकिन संभावना इस तरह के क्वेश्चन में नहीं चलती, तो सी है वो हम नहीं कह सकते। अब ऑप्शन नंबर डी आता है, कुछ स्तनपाई चमगादड़ होते हैं, अब देखिए ये बात ध्यान देने वाली है कि कुछ स्तनपाई, अब ये देखिए ये स्तनपाई है, ये जो सर्कल है हमारा, कुछ स्तनपाई चमगादड़ होते हैं, तो ये बात इसकी बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमने ये देखा कि सारे के सारे जो चमगादड़ है वो स्तनपाई होते हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा कि कुछ स्तनपाई जो होते हैं वो चमगादड़ होते हैं, इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दे के समझना और आपको बिल्कुल आसानी से बात समझ में आ जाएगी, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बी और डी यानी कि ऑप्शन नंबर टू इसका आंसर हो जाएगा, तो इस तरह से दोस्तों बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप। और अब क्या करते हैं, अब हम अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन आप खुद करना,
और क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप मेरे को सभी बताना कमेंट बॉक्स के ज़रिए कि इसका आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवाया है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप करके बताना मेरे को। और चलिए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा दिसंबर 2018 के अंदर आया है। ये देखिए इन्होंने कहा है कि सम फ्लावर आर रेड, तो सबसे पहले हम इसका जो ग्राफ है वो ड्रॉ कर लेते हैं। सम फ्लावर यानी कि सबसे पहले हम कुछ फ्लावर रेड है, ये हमने, एक मिनट रुकी, इसका बड़ा ड्रॉ करते हैं। ये हमने फ्लावर, ये एफ लिख लिया, ये फ्लावर है। सम फ्लावर आर रेड, ये हमने रेड लिख लिया, ये रेड इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में ऑल रोजेज आर फ्लावर, ऑल रोजेज ये बात कर रहे हैं सभी के सभी रोज हैं वो हमारे फ्लावर है, आर एस लिख लिया मैंने, रोजेज को फ्लावर लिख लिया। अब आगे इसका जो कंक्लूजन है वो देखते हैं क्या है। इसने कहा कि ऑप्शन नंबर एक जो दिया है सम रोजेज आर रेड, तो ये बात हम 100% सही नहीं कह सकते दोस्तों कि जो हमारे रोजेज है कुछ रोजेज वो रेड होंगे, ये बात हम नहीं कह सकते 100% तरीके से नहीं कह सकते। अगली है दोस्तों सम रेड थिंग्स आर फ्लावर, ये कह रहा है कि कुछ लाल वस्तुएं फ्लावर होती है, ये बात इसकी बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा है कि सम फ्लावर आर रेड यानी कि कुछ फ्लावर, कुछ फूल जो होते हैं वो हमारे लाल होते हैं। और ऑप्शन नंबर टू में इसने कहा है कि सम रेड, कुछ लाल चीज़ें हमारी फूल होती है, तो ये इसकी बात बिल्कुल 100% राइट होगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन सम फ्लावर आर रोजेज, सम फ्लावर ये देखिए सम फ्लावर और रोजेज ये बात भी इसकी 100% सही होंगी, क्योंकि इसने यहाँ पे कहा है कि ऑल रोजेज सारे के सारे जो रोज़ है गुलाब के फूल है वो हमारे क्या होंगे, फ्लावर होंगे, तो इसका मतलब ये है कि कुछ जो फ्लावर है वो हमारे रेड, सॉरी कुछ जो फ्लावर हैं हमारे वो गुलाब के फूल होंगे, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है ये भी हमारा सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं ऑल रोजेज आर रेड, ये बात हम बिल्कुल नहीं कह सकते दोस्तों, ऑल रोजेज आर रेड नहीं कह सकते, क्योंकि हमने यहाँ पे रेड और रोजेज का अच्छे से डिफाइन नहीं किया हुआ इन्होंने। हाँ इसमें हम संभावना लगा सकते हैं लेकिन संभावना नहीं चलेगी, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा ए हो जाएगा, बी एंड सी ओनली इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसके बाद में जैसे दोस्तों हमारे पास ये जुलाई 2019 के अंदर क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आप करके देखना दोस्तों, यहाँ पे मैंने आंसर भी दिया हुआ है, आंसर आप चेक कर सकते हैं, और ये हिंदी में आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए, या फिर आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।